और जहां ADA की ये नगर निगम की जो समस्या आ रही है क्या पट्टे जारी करने में, सरकार की मंशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पट्टे जारी किए जाए, लोगों को रिलीफ दी जाए। सरकार ने बहुत ज़्यादा छूट दे रखी है, कहीं 75% से की छूट है तो कहीं 90% तक की छूट। सरकार की मंशा के अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा पट्टे देने के लिए ये मीटिंग आहूत की गई थी, जिसमें सभी जनप्रतिनिधि जो संबंधित जनप्रतिनिधि उनको बुलाया गया था, नगर निगम के अधिकारी मौजूद थे और इस संबंध में चर्चा की गई कि जो समस्याएं आ रही है, जैसे चांदमारी भूमि में पट्टे किस तरह से, कब्रिस्तान की भूमि में पट्टे किस तरह से जारी किए जाए, उसके बारे में चर्चा की गई और मैटर ठीक है। आज जो शहर प्रशासनों की और दोबारा से जो कैंप लग रहे हैं, जो CM साहब ने बहुत सारी शिथिलताएँ दी हैं, CM साहब का मानना है कि हर गरीब का काम होना चाहिए, जो अधिकारी नहीं कर रहे थे उस पर भी बहुत थोड़ा सा कष्ट के कहा है CM साहब ने कि जो अधिकारी अगर काम नहीं करेंगे तो उस में पहले भी मीटिंग हुई थी, हमारे कलेक्टर साहब ने पहले भी मीटिंग ली थी और अभी उसी मुद्दे पर मीटिंग हुई कि भाई पट्टे क्यों नहीं जारी हो रहे ज़्यादा से ज़्यादा, कच्ची बस्तियों के मसले हैं, कई ऐसे मसले हैं जिन पर डिस्कशन नहीं हो पा रहा था। तो उसमें कईयों में अभी जो आज मीटिंग हुई है उससे तो लग रहा है कि पट्टों की कार्रवाई होगी और ज़्यादा से ज़्यादा पट्टे दिए जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर अभी एक बार 13 तारीख को कच्ची बस्तियों का मसला है, वो भी एक मीटिंग है अभी सरकार की तरफ से भी है और सभी उसमें बुलाए जाएंगे महापौर इनको सबको, तो हम लोगों ने कच्ची बस्तियों को नगर निगम को लेने के भी लिए कहा, तो कलेक्टर साहब ने कहा तो महापौर से भी बात करेंगे इस बारे में, तो ज़्यादा से ज़्यादा अजमेर शहर में पट्टे बांटे जाएँ, इस संबंध में जो भी अड़चन आ रही है उसमें सरकार शिथिलता दे रही है तो इनको अधिकारियों को करने में क्या प्रॉब्लम आ रही है, इसीलिए कलेक्टर साहब ने सारे अधिकारियों को लेकर इस बात को मीटिंग करी है और हमें विश्वास है कि जो हमारी सरकार करने जा रही है, जो हमारे CM साहब संवेदनशील CM साहब करना चाहते हैं, वो ये अधिकारियों से हम खींच के काम करवाएंगे और अधिकारी भी हमारा सहयोग करेंगे और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पट्टा दिलाने की कोशिश करेंगे और यही हमारा मानना है।